नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से आज सीबीआई ने घंटों पूछताछ की। स्वास्थ्य मंत्री से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह पूछताछ की गई है। कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन का पर हवाला के जरिए करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया था और सत्येंद्र जैन से आज घंटों पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में कई सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। सत्येंद्र जैन के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज एक और मामले में शिकंजा कस गया। 300 करोड़ के दवा घोटाले में आज एसीबी ने 3 ठिकानों पर रेड की। सबसे पहले तो अस्पतालों का दवाई खरीदने का अधिकार छीना गया और सारी दवाइयां एक ही जगह खरीदी जाएंगी, ये निर्णय लिया गया। उधर इल्जाम लगा और इधर कस गया केजरीवाल सरकार पर शिकंजा। 300 करोड़ के दवा घोटाले में रेड, एसीबी ने खंगाले कई ठिकाने, जांच में मिले आरोपों के सबूत। कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज दिल्ली में 3 वेयर हाउस पर छापे मारे। छापों में एसीबी को भारी तादाद में दवाएं मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। 300 करोड़ के कथित दवा घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल आरोप है कि खपत से ज्यादा दवाएं मंगाई गई और दूसरा कि दवाएं एक्सपायरी डेट की थी। पिछले दिनों कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य विभाग के तहत काम करने वाली सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी सीपीए के जरिए स्वास्थ्य मंत्री ने जबरन दवा की खरीद कराई और सीपीए के वेयर हाउस में जो दवाएं पहुंचे उनमें बड़ी तादाद में एक्सपायरी दवाएं थी। सीपीए के जरिए ही दवाएं सरकारी अस्पतालों में पहुंचती हैं। सबसे पहले तो अस्पतालों का दवाई खरीदने का अधिकार छीना गया और सारी दवाइयां एक ही जगह खरीदी जाएंगी, ये निर्णय लिया गया। उसके बाद ये ऑर्डर दिया गया कि दवाइयां एडवांस में खरीद लो। अस्पतालों ने कहा कि हमें इन दवाइयों की जरूरत नहीं है, तब भी दवाइयां एडवांस में खरीदी गई। उसके बाद वो दवाइयां एक जगह डंप कर दी गई जहां पे वो दवाइयां खराब होती रही। कपिल मिश्रा का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 300 करोड़ का घोटाला किया जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी थी, क्योंकि दवाओं के लिए फंड मुहैया कराने के खातिर केजरीवाल ने ही दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था। इसी दवा घोटाले को सदन में उठाने पर कल विधानसभा में कपिल मिश्रा के साथ आप विधायकों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की मौजूदगी में मारपीट भी की थी। ये कोई तरीका है? अब कपिल मिश्रा और विपक्ष एक सुर में केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। कहेंगे मेरे घर के बाहर अब एक अच्छी संख्या में पुलिस आई है, लेकिन वैसे ही सुरक्षा उनको भी दी जानी चाहिए। अब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ आवाज उठ रही है वो बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जनता नकार चुकी है फिर भी जबरदस्ती उस पर टिका हुआ है। हर व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है उसका मुंह बंद करने की, उसको जान से मारने की, उसको डराने की एक कोशिश कल से शुरू की गई है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि हम बापू को मानते हैं, बापू के पुजारी हैं, लेकिन हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है। एसीबी की जांच में अगर कपिल मिश्रा के आरोप सही पाए गए तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं। मणिदीप शर्मा और कपिल शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था और सीधे सीएम योगी को दी है चुनौती। सरकार की नाक के एन नीचे यानी राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ किया गया गैंग रेप। यूपी की राजधानी में गैंग रेप। केजीएमयू में बंधक बनाकर गैंग रेप। गुंडा राज से मुक्त होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित होगी। मुख्यमंत्री योगी की तमाम चेतावनी बेमानी नजर आती है, क्योंकि अब तो राजधानी लखनऊ में सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी केजीएमयू में ही गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। हरदोई की महिला केजीएमयू में इलाज के लिए आई थी, उसे खाना दिलाने के बहाने विनय नाम के लिफ्टमैन और उसके साथियों संतोष और शिव कुमार ने उसे बंधक बनाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। महिला की शिकायत पर शिव कुमार नाम का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथियों की तलाश जारी है। ऐसे में सवाल है, आखिर योगी राज में भी अपराधियों के दिल में डर क्यों नहीं है?
क्योंकि केजीएमयू की यह घटना इकलौती नहीं है। इससे पहले रामपुर में दो बहनों के साथ छेड़खानी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी हकीकत अब तो खुद बीजेपी कार्यकर्ता सूबे के डिप्टी सीएम के सामने कबूलते हैं। आपसे भी मैं पूछ रहा था, क्या जो अपराधी है वो डरा हुआ इस तरह महसूस कर रहा? डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा? केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े जोश में सवाल किया था, लेकिन उनके अपने ही कार्यकर्ताओं के जवाब ने यूपी में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। इस हकीकत को मुख्यमंत्री योगी कैसे बदलेंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। यानी खाली एंटी रोमियो स्क्वाड से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़कर कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। बिहार में शिक्षा के फेल हो चुके सिस्टम की तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर फेल छात्र हंगामा कर रहे हैं तो दूसरी ओर मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर चुके जाने कितने छात्र बिहार बोर्ड की परीक्षा में फेल हैं। और इन सब के बीच टॉपर्स की हालत ऐसी कि सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। जिस समय धीरे से करके हम जैसे अपना दुख से व्यक्त करके अपना चेहरा के भाव को जब बताते हैं, वही मुखड़ा है। बिहार बोर्ड में महज 36% पास छात्राओं में 12वीं में आर्ट्स का टॉपर है ये गणेश कुमार। संगीत के प्रैक्टिकल में 70 में 75 अंक पाने वाले गणेश अंतरे और मुखड़े पर ऐसा अटके कि एक बार फिर बिहार बोर्ड की परीक्षा प्रणाली सवालों में घिर गई। संगीत के इस टॉपर के ढोलक बजाने ने तो रही सही पोल भी खोल दी। हकीकत सामने आई तो अब जिम्मेदार लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है। 12वीं के नतीजों में 64% छात्र फेल हुए हैं तो गुस्सा सड़क पर आ चुका है। जिन विषयों में डिस्टिंक्शन की उम्मीद थी उनमें सिर्फ 2-4 नंबर मिले तो सब्र का बांध टूट गया। बिहार बोर्ड की कदाचार मुक्त परीक्षा हुई तो बिहार के 64% छात्र जो है वो परीक्षा में फेल हो गए और एक दिन बाद अब उसका गुस्सा सड़कों पर देखा जा सकता है। प्रदर्शन ये हुआ, जितना हम लोग लिखे थे उतना नंबर भी हम लोग को नहीं दिया गया है, बिना मतलब अपने से नंबर काट लिया गया। फिजिक्स में थ्योरी में एक नंबर दिया गया है। पूरे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉपियों की रीचेकिंग का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल तो साख का है जो सुशासन बाबू के राज में कटघरे में आ चुकी है। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। बिहार में जो शिक्षा का सिस्टम है यकीनन ढोलकी बन गया है और जो शिक्षा मंत्री हैं उनका मुखड़ा देखते बनता है। कांग्रेस एक बार फिर बीफ विवाद में फंस गई है। कन्नूर कांड के बाद अब कोची में कांग्रेस विधायक के बीफ खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कल से 3 दिन के केरल दौरे पर पहुंच रहे हैं। आसमानी शर्ट पहने मुस्कुराते हुए ये हैं कांग्रेस के विधायक वीटी बलराम। बलराम ने बीफ विवाद में एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। कोची में कांग्रेस विधायक बलराम के बीफ खाने का ये वीडियो वायरल हुआ तो कुन्नूर कांड से सकते में आई कांग्रेस फिर हैरान है। कांग्रेस विधायक ने खुलेआम बीफ खाया और उसका वीडियो भी बनाया। बलराम का कहना है कि उन्होंने 19 साल बाद शाकाहार का व्रत तोड़ा और बीफ खाया क्योंकि वो केंद्र सरकार के गोरक्षा पर बने नए कानून का विरोध करना चाहते थे, जबकि खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विरोध के नाम ऐसी हरकतों की निंदा कर चुके हैं। इससे पहले कुन्नूर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से भी निकाला जा चुका है, लेकिन कांग्रेस की इस नसीहत का कोई असर नहीं हुआ और अब उनके विधायक बीफ खाने का वीडियो बनाकर फेसबुक पर लाइव करते हैं। कुन्नूर कांड के बाद से बीफ विवाद की ये आग दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक सुलग रही है। चेन्नई आईआईटी में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, यहीं पर कांग्रेसियों ने बीफ पार्टी की थी। तो उधर वाराणसी में भी कुन्नूर कांड के विरोध में प्रदर्शन जारी है। हमारी माता है, माता है, माता है।
वाराणसी में सुबह बनारस नाम की संस्था ने शर्म मार्च निकाला और बीफ खाने की घटना का विरोध किया। सवाल यह है कि सिर्फ विरोध के नाम पर बीफ खाने या जानवरों पर जुल्म कहां तक जायज है। विरोध के इस अंदाज से कांग्रेस अब खुद फंसती जा रही है। वाराणसी से रोशन और कोची से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। फैसला आपको करना है कि इसे बीफ पॉलिटिक्स कहें या पॉलिटिकल बीफ। महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज माफी को लेकर आज से आंदोलन छेड़ दिया है। जगह जगह सब्जियां और दूध लेकर जा रहे वाहनों को रोका गया और सामान सड़क पर बिखेर दिए गए। नासिक में आज किसानों ने सैकड़ों टन सब्जी सड़क पर फेंक दी तो हजारों लीटर दूध भी सड़कों पर बहा दिया। किसानों के इस आंदोलन से मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, धुलाई, जलगांव जैसे शहरों में दूध और सब्जी की किल्लत की आशंका बढ़ गई है। किसान यूपी की तर्ज पर फडणवीस सरकार से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के उकसावे की फायरिंग का आज भारतीय फौज ने करारा जवाब दिया। एलओसी पर पुंछ इलाके में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया जबकि 6 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हुए। दरअसल पाकिस्तान ने सीज़फ़ायर तोड़ते हुए अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। धमाकों से दहल रहा है कश्मीर। कभी आतंकी धमाके तो कहीं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़। सोपोर में साजिश की फिराक में एक घर में छिपे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आज सुबह ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने सुबह करीब 3:30 बजे सोपोर के नातीपुरा इलाके में घेराबंदी की तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और कई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी मार गिराए। जब हम कॉलम की कार्रवाई कर रहे थे तो हमारे पर भारी मात्रा में फायर आया और जिसके अंदर हमारे 2 जवान घायल हुए। इसके बावजूद हमने टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को काफ़ी मौके दिए सरेंडर करने के लिए, लेकिन फायर लगातार जारी रहा और रिटेलिएटरी फायर में 2 टेररिस्ट मारे गए। सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की क्विक एक्शन टीम भी इस एनकाउंटर में शामिल थी। सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए आतंकियों ने एक दिन पहले जवानों पर ग्रेनेड से हमला कर 4 सुरक्षा कर्मियों को जख्मी किया था। इन आतंकियों की शिनाख्त बशारत अहमद और एजाज अहमद मीर के तौर पर हुई है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और 5 मैगजीन समेत भारी संख्या में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में सेंट्रल एक्साइज के कार्यालय में तेंदुआ घुसने से मच गया हड़कंप। तेंदुए को देखकर अफसर और कर्मचारी अपनी अपनी सीट छोड़कर भागे। पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई लेकिन तेंदुआ करीब ही कहीं जा छिपा। ऐसे में अफसर और कर्मचारी अब भी खौफ में है। फिलहाल तेंदुए की तलाश बरकरार। नैनीताल की नैनी झील का अस्तित्व खतरे में है। इन दिनों झील सूखने की कगार पर है। झील का जलस्तर सामान्य से 18 फीट नीचे चला गया है। तीनों ओर पहाड़ियों से घिरी ये झील पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह होती है लेकिन झील में पानी संकट से पर्यटकों को भी निराशा हाथ लग रही है। भूवैज्ञानिक इस झील की उम्र सिर्फ 25 साल और बता रहे हैं। खतरे का अलार्म बजते ही प्रशासन इसे बचाने के लिए कई कदम उठा रहा है। कल भी हमने इसको रिव्यू किया है। नैनीताल लेक की जो स्थिति बनी हुई है कि उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसके बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि नैनीताल में पर्यटन के लिहाज से सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो नैनीताल लेक का है और इसको इसको सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मुनासिब कार्रवाई तो कर ही रहा है लेकिन नागरिकों से ये अपील है कि वो पानी को कंजर्व करें। और चलते चलते आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में फूलों की घाटी का खूबसूरत नजारा। फूलों की घाटी आज से सैलानियों के लिए खुल गई है और पहले ही दिन लोगों ने जमीन पर उतरी इस जन्नत का नजारे का लुत्फ लिया।